भाई हमेशा नेपाली नेपाली बोलते हैं यार, पता नहीं कहाँ से इनको मिल गया। वो न्यूज़ पढ़ी क्या? वो जो बात थी कि जर्मनी में थोड़े से। तो गाइस के अलीस यादव के बिग बॉस जीतने के बाद लक्ष्य चौधरी ने अपने नए ब्लॉग में दुर्वाटी की ले ली। अब इसमें मेरा मतलब था कह के ले ली, अब आप लोग कुछ और मत समझ लेना। तो लक्ष्य चौधरी और उनके फ्रेंड दुर्वाटी को क्या बोलते हैं आप खुद ही देखो। वो न्यूज पढ़ी क्या? वो न्यूज पढ़ी क्या? जर्मनी में बर्नोल स्टॉक आउट होगी। वो जो बात थी कि जर्मनी में थोड़े से बर्नोल भिजवाने पड़ेंगे क्योंकि सिद्धार्थ यादव जीत गया है। अब इसको देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ क्या जर्मनी में बर्नोल वाला ब्रांड मिलता होगा, मतलब बर्नोल वाली क्रीम मिलती होगी। तो इसी के बाद बात करते हैं अलीस यादव के नए ब्लॉग के बारे में। तो उन्होंने अपने नए ब्लॉग में बताया कि उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए। अब वो कैसे कैसे रिकॉर्ड थे और किस किस तरह के रिकॉर्ड थे आप लोग खुद ही देखो। फास्टेस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स अल्लू अर्जुन का था, 69 मिनट्स का हमारा, 43 मिनट्स का। फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक्स का भी हमने इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड। तो ये 10 मिनट से भी पहले 9 मिनट में भाई। वो रिकॉर्ड भी हमने तोड़ा, काफी रिकॉर्ड्स तोड़े, दिल भी तोड़े। तो इसके बाद बात करते हैं अलीस यादव के फ्रेंड कटारिया के बारे में। तो कटारिया बहुत सारे एलिगेशन बीच में लग रहे थे कि उन्होंने पैसे देके इन्फ्लुएंसर को अलीस भाई के लिए स्टोरी लगवाई थी। तो उसी पे अपने कटारिया भाई रिएक्ट करते हुए अपने व्लॉग में ये बोलते वो कर रहा, पैसा क्यों देना भाई इस चीज का यार, कल को भाई यार सपोर्ट मांगेंगे जिस डाल रहे हैं, हम ना डालेंगे क्या उनकी यार, भाईचारा नाम की एक चीज होती है। तो ये गलत फैमिली मत फैलाओ, ये गलत फैमिली मत फैलाओ पब्लिक में कि हम किसी तक पैसा देकर सूर्य डलवा रहे हैं। और एक एक तक पूछ लो, किसी तक 1 रुपया भी दिया हो तो ये सोच कैसे आ रही है भाई तुम्हारे दिमाग में, ये बता दो। मत सोचो भाई, ये क्यों सोच रहे हो यार, कम मंगा में क्यों पैसे देंगे हम किसी को यार, ठीक है भाईचारे वाली बातचीत है, भाईचारे तक रखो यार। और भाई इसके बाद बात करते हैं नोमैड शुभम के बारे में। तो नोमैड शुभम रिसेंटली रशिया में दिखे, कल लाइव आए थे वो। और भाई वो अकेले नहीं थे, नाश्ते के साथ भी नहीं थे, वो अपने परिवार वालों के साथ थे, अपनी बहन और अपनी मम्मी और अपनी दादी के साथ। और भाई ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई खुद भी दुनिया घूम रहे और घर वालों को भी घुमा रहे। तो भाई इसके बाद बात करते हैं न्यूज बॉय के बारे में। तो न्यूज बॉय रिसेंटली इमोशनल हो जाते हैं, वो भी क्यों, क्योंकि उनको बहुत लोग नेपाली नेपाली बोल के सोशल मीडिया पे चिढ़ाते हैं। अब इसी पे न्यूज बॉय करे ट्विटर स्पेस में अपनी सोच को सामने रख सके, जिसमें आई थिंक मैक्सन भी होते हैं। भाई हमेशा नेपाली नेपाली बोलते हैं यार, पता नहीं कहाँ से इनको मिल गया। बट यू नो मैंने आज कहीं पे बोल दिया था एक इंटरव्यू में, मैंने बोल दिया था, नहीं मैं बोलूंगा, प्राउडली बोलूंगा, बोल बोल यार। बट यू नो आज नेपाली नेपाली लिख देते यार, अगर नेपाली होना, अगर इंडियन नहीं यार, ठीक है यार, क्या मतलब हद होगी भाई। भाई हम तो भाई हम तो नेपालियों को अपना ही मानते हैं यार, न्यूज बॉय में तो सच्ची बात बता रहा हूँ। जितने भी मतलब सौरभ के साथ जो सिचुएशन हुआ था उसको भी नेपाली नेपाली बोलकर टाइप। खाली सौरभ नहीं भाई, हमारे साथ शुभम बैठता था उसके साथ भी ये चीज हुई है, मेरी बहन है उसके साथ भी ये चीज हुई है, भाई सबके साथ हुई है ये चीज। और मेरे को पता है भाई, नेपाली में कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करते हैं, बट उसमें लाइक्स जो मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे लाइक्स होते हैं भाई, न्यूज़ बॉय वो दिक्कत लगता है। जो भी स्पेस का टाइटल है मैंने करा, ये मैं सोचना न्यूज बॉय ने खुद ही कर दिया, मैंने रखा है, ठीक है। मेरी बात सुन न्यूज बॉय भाई, तू अपना भाई है, जो लोग तेरे से प्यार करते हैं ना वो मैटर करने चाहिए। जो देख मेरे को भी रोज लोग टैग करके गाली देते हैं माँ बहन के, मैं क्या उनके पीछे जाऊँ? क्यों भाई साला, आज तक मैंने ना किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं है यार। मत तो तू बहुत बंदा सही है, अभी इमोशनल हो गया भाई वो पीने के बाद यार। पिया मत कर भाई, ठीक है भाई पी लिया। नेक्स्ट टाइम भाई देख अपने न्यूज बॉय भाई के बारे में मत बोल भाई प्लीज यार, गलत हो जाएगा भाई ये, मैं बता रहा हूँ ना बोल। क्या ये लोग को भी अलग ही डसा चढ़ गया है ट्विटर का, थोड़े दिनों से जब बात आती है कम्युनिटी पे तो वो अलग हो जाता है यार। अरे भाई यार एक बात बताओ यार, तुम एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मंदिर नेपाल में, सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी नेपाल की, तुम किस बात का अगर किसी ने तुम्हें चार गाली दे दी वो है कौन, उसकी औकात क्या है, तुम ये बताओ। और अपने आपको जो प्राउडली प्राउड, एक मिनट जो कंट्री अपने जो गाली चार, समझ गया मैं, उसके ऊपर लाइक्स आ रहे हैं बहुत सारे। अरे यार न्यूज तो भाई आज के लिए बस इतने, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मत रो भाई, पर नाम याद रखना नोमैड है, और नाम याद रखा है तो प्लीज कर लो सब्सक्राइब।